तो हे गाइस, मैं हूं अथर्व और आप देख रहे हैं स्केचेस्ट यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंटेल के पहले डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड्स के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटेल कौन-कौन से ग्राफिक कार्ड लॉन्च करने जा रहा है और उसके साथ साथ इन ग्राफिक कार्ड की स्पेसिफिकेशंस क्या रहेगी। तो हम इस चैनल पर ऐसे ही पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में बात करते हैं। अगर आपका भी इंटरेस्ट है गेम्स और गेम पीसेस में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और उसी के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कीजिए, जिससे हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई, इंटेल के ग्राफिक कार्ड के बेसिकली दो वर्जन है। एक है इंटेल आइरिस एक्सी और दूसरा है आइरिस एक्सी मैक्स। और भाई, इन दोनों भी ग्राफिक कार्ड में आपको 4GB की LPG GDDR4X टाइप की VRAM देखने को मिल जाती है। 1650 मेगाहर्ट्ज की इसकी फ्रिक्वेंसी इन ग्राफिक कार्ड की। और भाई, ये ग्राफिक कार्ड बहुत ही लो एंड है और वैसे भी ये ग्राफिक कार्ड कंज्यूमर ग्रेड के लिए नहीं है, ये सिर्फ OEMs के लिए ही ये ग्राफिक कार्ड अवेलेबल रहेंगे। और भाई, ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो इंटेल के ग्राफिक कार्ड रहेंगे वो AMD के CPUs को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो भाई, ये तो बात हो गई जो OEM वाले ग्राफिक कार्ड है उनकी। तो अब बात करते हैं जो ग्राफिक कार्ड्स कंज्यूमर ग्रेड के आएंगे और जो AMD और NVIDIA को टक्कर देंगे। तो गाइस, कंज्यूमर ग्रेड ग्राफिक कार्ड्स में इंटेल की तरफ से इंटेल XC HP 12.5 वन टाइल GPU होगा, इंटेल XC HP 12.5 टू टाइल GPU रहेगा, एंड जो लास्ट वन है वो है इंटेल XC HP 12.5 फोर टाइल GPU रहेगा। और भाई, अब हम हर एक ग्राफिक कार्ड की इंडिविजुअल बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटेल XC HP 12.5 वन टाइल GPU के बारे में। इसमें आपको मिलते हैं 512 EUs और उसके साथ इसमें 4096 कोर्स है एंड 1.5 GHz की इसकी फ्रिक्वेंसी है एंड 150 W की इसकी TDP रहेगी। तो अब बात करते हैं इंटेल XC HP 12.5 टू टाइल GPU के बारे में। इसमें आपको मिलते हैं 1024 EUs, 8192 कोर्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं, 1.25 GHz की इसकी फ्रीक्वेंसी है एंड 300 W की इसकी TDP रहेगी। तो इस ग्राफिक कार्ड की लाइनअप में एक पावरफुल ग्राफिक कार्ड भी होगा, जो होगा इंटेल XC HP 12.5 फोर टाइल GPU और इसमें आपको मिलेंगे 2048 EUs, 16384 कोर्स मिलेंगे आपको इसमें, और इसकी जो TDP हो सकती है वो हो सकती है 400 W से 500 W के बीच में। भाई, ये तो क्लियर है कि इंटेल सीरियस है ग्राफिक कार्ड मार्केट में एंट्री करने के लिए और उसी के साथ साथ उनके पास एक तगड़ा हार्डवेयर भी अवेलेबल है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसी के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कीजिए। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।